A very good morning to all of you. Today we will continue unit integer and we will do its fourth worksheet today. These are some properties of addition that we are going to use in this worksheet. Its first property is sum of any two integer is also an integer. जब हम दो integer को add करते हैं तो जो result आएगा that will also be an integer. सेकेंड प्रॉपर्टी इज कि अगर हम इंटीजर्स को ऐड करने के टाइम अगर हम उनके ऑर्डर को चेंज करें इवन देन द सम रिमेन्स द सेम. प्रॉपर्टी थ्री इज सम ऑफ थ्री इंटीजर रिमेन्स द सेम इवन आफ्टर चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ द एडेंट्स. सिमिलरली अगर थ्री इंटीजर्स हैं और हम उनकी ग्रुपिंग चेंज करते हैं या हम उनका ऑर्डर चेंज करते हैं इवन देन वी गेट द सेम आंसर. फोर्थ प्रॉपर्टी इज व्हेन जीरो इज एडेड टू एनी इंटीजर द सम इज इंटीजर इटसेल्फ. अगर हम किसी इंटीजर में जीरो ऐड करें तो भी हमें सेम इंटीजर ही मिलेगा. सो जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन. नेक्स्ट इज व्हेन वन इज एडेड टू एनी इंटीजर वी गेट इट्स सक्सेसर. जैसे इफ देयर इज इंटीजर 10 एंड वी ऐड प्लस 1 टू इट देन वी गेट 11 और जो 11 है वो 10 का सक्सेसर है. नेक्स्ट इज एवरी इंटीजर हैज एन एडिटिव इनवर्स. हर इंटीजर का एक ऑपोजिट होता है और अगर हम इंटीजर और उसके ऑपोजिट को ऐड करते हैं देन वी गेट जीरो. जैसे इफ वी टेक इंटीजर 5 एंड ऑपोजिट ऑफ 5 इज -5 वी ऐड देम एंड वी गेट जीरो. ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज वी विल डू द वर्कशीट 4. Worksheet 4, first sum is find the sum in two different ways. Here two integers are given. We will solve them in two different ways by changing their order. First of all, I write it as minus 32 plus 50. Plus minus minus 50 minus 32 is equal to 18. 50 is greater integer. It is positive. So answer is also positive integer. Then we change the order. We write 50 at first and then we write minus 32. 50 plus minus 32 plus minus minus 50 minus 32 that is equal to 18. B part. Two integers are minus 81 and minus 79. We write it as minus 81 plus minus 79. It changes into minus 81 minus 79. We use the rule minus minus equal to plus and we add 81 and 79. We get 160. 81 is greater integer. So it is negative. So answer will also be a negative integer and it is minus 160. Ab hum order change karenge. We write minus 79 at first. Then we write minus plus minus 81 plus minus minus. अब यहाँ पर दो negative integer हैं minus minus equal to plus 79 plus 81 is equal to 160. Greater integer is 81. It is having a negative sign with it. So in answer we also have a negative sign and that is we get minus 160. अब आपने देखा है कि अगर हम इनका ऑर्डर चेंज करते हैं इवन देन द सम ऑफ दीज टू इंटीजर्स रिमेन्स द सेम. सेकेंड सम इज राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग. द ऑपोजिट ऑफ एन इंटीजर इज कॉल्ड द नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स. जो इंटीजर हमें दिया हुआ है हमें उसको ऑपोजिट लिखना है दैट विल बी द एडिटिव इनवर्स. फर्स्ट पार्ट इज 31 और एडिटिव इनवर्स ऑफ 31 इज माइनस 31. बी पार्ट माइनस 7 तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा प्लस 7. सी पार्ट 21 एंड हियर एडिटिव इनवर्स ऑफ 21 इज इक्वल टू माइनस 21. थर्ड सम इज फाइंड द सम यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. हियर थ्री इंटीजर्स आर गिवन 200 प्लस
minus 105 plus minus 36. It changes into 200 minus 105 minus 36. Minus 105 and minus 36, they are having the same sign. हम पहले इनको सॉल्व करेंगे. माइनस माइनस प्लस 105 प्लस 36, दिस इज इक्वल टू 141. अब इनके साथ साइन जो है वो नेगेटिव आएगा, बिकॉज 105 इज अ नेगेटिव इंटीजर एंड माइनस 36 इज ऑल्सो अ नेगेटिव इंटीजर. सो 200 माइनस 109, दिस इज इक्वल टू 59. अब 200 और 141 में से 200 ग्रेटर है, इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो जो हमारा आंसर है दैट विल आल्सो बी अ पॉजिटिव इंटीजर. तो आंसर इज इक्वल टू 59. बी पार्ट इज माइनस 45 प्लस 100 प्लस माइनस 55. वी विल रीऑर्डर इट एंड वी राइट इट एज माइनस 45 माइनस 55 प्लस 100. 45 and 55 both are having same signs. हम पहले इनको सॉल्व करेंगे. माइनस माइनस प्लस 45 प्लस 55, दैट इज इक्वल टू 100. 55 इज ग्रेटर, इट इज हैविंग अ नेगेटिव साइन, सो 100 विल ऑल्सो हैव अ नेगेटिव साइन विद इट. नेक्स्ट स्टेप इज माइनस 100 प्लस 100. दीज आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. And when we add them, we get zero. Similarly, you can do the remaining parts of this sum.